कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है, गदर टू के ला देता है। सबकी भीड़ तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है और गजब इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोल रहा है। हाय सनी, सनी हेलो, नो हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन। मैं कुछ सनी पाजी, हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा ताल देते हैं। हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो ताल देते हैं। गदर 3 की बात भी उन्होंने ताल दी जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा। आपके पास 3 वो जोक था, वो जोक था लेकिन हेडलाइन तो बनेगी। नो प्रेशर धन्यवाद जी, अभी नो प्रेशर, 22 दिन है वैसे। तो किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग पे क्या कुछ चल रहा है कि अभी फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को, मैं बस बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूँ, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है और यही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते अभी आगे जाके कब शुरू करेंगे। तो बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की, जो हमारे पास है वही फैमिली वैल्यूज है जो थे अपने में थे, उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ एक एक्ट्रेसेस थी जो कल माफ रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी। हाय सनी, बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है क्योंकि आपका दूसरा बेटा है फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस? देखिए आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ, हम परिवार सब इमोशंस है, वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है और दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। हाय सनी, दिस इज अनीता।